देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 27 अक्टूबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक गुजरात में पिछले 24 घंटे में 30 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं, 18 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 171 है। नंबर दो पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 806 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 811 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 15 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7849 हो गई है। नंबर तीन पंजाब में पिछले 24 घंटे में 13 नए कोविड-19 मामले, 23 रिकवरी और 1 मौत दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 226 हैं। नंबर चार हरियाणा में आज 15 नए कोरोना के मामले, 13 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 128 हैं। नंबर पाँच तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 190 नए मामले सामने आए हैं, 111 रिकवरी हुई हैं और 1 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 4101 हैं। नंबर छह आसाम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 347 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 235 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 3 मृत्यु दर्ज की गई है, राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2644 है। नंबर सात कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 277 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 343 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 7 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, राज्य में कुल सक्रिय मामले 8510 हैं। नंबर आठ उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 12 नए कोरोना के मामले और 8 रिकवरी दर्ज की गई है, इस दौरान कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 156 है। नंबर नौ तमिलनाडु में आज कोरोना मामले के 1090 नए मामले सामने आए हैं, 1326 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और 15 लोगों की मौत दर्ज की गई है, तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामले 12540 हैं। नंबर 10 पौंडिचेरी में आज 41 नए कोरोना के मामले, कोई मौत नहीं, 42 रिकवरी दर्ज की गई है और सक्रिय मामलों की संख्या 453 है। नंबर 11 गोवा में कोरोना के 31 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और कोरोना से 59 लोग ठीक हुए हैं और कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामले 483 हैं। नंबर 12 आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 415 नए मामले सामने आए हैं, दौरान 584 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 6 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है और कुल संख्या 4655 है। नंबर 13 राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 20 रह गए हैं। नंबर 14 केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7163 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 6960 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 482 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, केरल में कोविड के सक्रिय मामले 74529 हैं। नंबर 15 मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 27 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, कोई भी मौत नहीं, 12 ठीक हुए, सक्रिय मामले 99 हैं। नंबर 16 झारखंड में कोरोना संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए हैं, 61 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 195 हैं। नंबर 17 हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 255 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 150 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 1761 हैं। नंबर 18 मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 81 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 873 हैं। नंबर 19 बिहार में पिछले 24 घंटे में 8 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, 4 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 39 हैं। नंबर 20 उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 433 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 497 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 4126 है। नंबर 21 त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 4 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 110 हैं। नंबर 22 महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1201 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 1370 रिकवरी और 32 मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामले 22981 हैं। नंबर 23 उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने हैं, डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 7 है, सक्रिय मामलों की संख्या अब 94 है। नंबर 24 राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 41 नए मामले सामने आए हैं, 25 रिकवरी ठीक हुई हैं और अब भी एक मौत दर्ज नहीं की गई है, दिल्ली में कोविड-19 से 323 सक्रिय मामले हैं। नंबर 25 अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 10 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 137 हैं। नंबर 26 छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 10 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 249 हैं। नंबर 27 जम्मू कश्मीर में आज 97 नए कोरोना के मामले, 77 रिकवरी, 1 मौत दर्ज की गई है, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 854 है। नंबर 28 मेघालय में कोरोना संक्रमण के 31 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 89 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 529 है। नंबर 29 मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 790 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान
59 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 7 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 7029 हैं। तो ये थे आपके राज्यों की 24 घंटे की कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।